आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अच्छा एक काम करता है, कहानी शकुनी से शुरू करता है। हाँ क्या बोल रहे? नहीं काहे? नहीं, कहानी तो शकुनी से ही शुरू होगी। क्यों? क्या है कि हर महाभारत की नींव में एक शकुनी होता है और वो शकुनी अपने हिसाब से एक दुर्योधन भी चुन लेता। अब भैया आपको कोयला भी तो चाहिए ना, जो भड़क सके, उस आग को थाम सके। तो मैं उस आग यानी शकुनी के बचपन का साक्षी रहा हूं, जिसने अपने बाप और भाइयों को दर्द और भूख से मरते देखा। आज मैं उसी विद्रोही शकुनी की कहानी सुनाता हूं आपको, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है। मैं आकाश हूं। दरअसल भीष्म को यह कभी मंजूर नहीं था कि जिस कुरुवंश को बचाने के लिए उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया, कोई उसके साथ छल करे। तो महाभारत की सीधी सी कहानी केवल इतनी है कि कुरुवंश को बचाने के लिए भीष्म जो कर सकते थे उन्होंने किया, और उसको बर्बाद करने के लिए शकुनी जो कर सकता था उसने भी किया। इतनी रात्रि को पीड़ा देने के लिए क्षमा करें महाराज। क्या सूचना लाए हो दूत? आपको मिली सूचनाएं सच है महाराज, पर क्या कहना चाहते हो स्पष्ट करो। महाराज गंधार राज आपके डर से पूरा सच नहीं बता सके। तो पूरा सच क्या है? महारानी गांधारी की कुंडली में मंगल दोष है महाराज। जन्म कुंडली देखकर उनके कुलगुरु ने बताया था कि इस मंगल के कारण विवाह के लगभग 3 महीने में उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। क्या? पर ये किसने बताया तुम्हें? स्वयं गंधार राज के कुलगुरु ने महाराज। वो अभी जीवित है। फिर क्या हुआ? इस संकट को टालने के लिए कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उनके उपाय के अनुसार महारानी गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया और फिर उसकी बलि दे दी गई। तो इसे सुबल ने मुझसे क्यों छुपाया? शायद आपके डर से महाराज। तुम जाओ। ईश्वर, ईश्वर, बहुत भूख लगी है पिताजी, नींद नहीं आ रही है। मैं सोने की कोशिश करो बेटा, कल कुछ करता हूँ। पिताजी कहीं से भी भाइयों के लिए भोजन ले आइए पिताजी, वो भूख से कंगाल हो गए। हाँ बेटा अभी सो जाओ। एक तो भीष्म ने गलतफहमी के चलते शकुनी, उसके भाइयों और पिता को कारागार में सड़ा दिया था, और ऊपर से उन्होंने शकुनी की बहन गांधारी को यह भी नहीं बताया था कि जिस धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए उसे वो उठा लाए हैं वो अंधा है। गलत बात थी ना? हाँ हम सभी इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। तो भाई कुछ तो होना ही था, सो हो गया। अरे बहू का श्रृंगार तो हो गया है, अब देर क्यों हो रही है? जल्दी करो, नहीं तो महाराज धृतराष्ट्र भागकर यहीं पहुंच जाएंगे। दुल्हन को सुहाग कक्ष में हमें ही ले चलना होगा। चलो बहू, अभी मेरा श्रृंगार बाकी है। अरे अब कौन सा श्रृंगार बाकी है? अंग अंग आभूषणों से तो भरे हैं। मेरे लिए इस श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। मतलब? मेरे पति अंधे हैं, किसके लिए करूं मैं ये श्रृंगार? दात्री श्वेत वस्त्र की पट्टी ले आओ। पट्टी क्यों? मेरी आंखों के लिए, जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते उसे देखकर मैं क्या करूंगी? यह आपका गुस्सा है या प्रतिकार? नहीं ये मेरा प्रतिकार नहीं, स्वीकृति है। मेरे पति जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें स्वीकार करती हूं। मैं गांधारी हस्तिनापुर के इस राजसी खेल को स्वीकार करती हूं।
हे ईश्वर, ये मुझे किस जन्म के पाप का दंड दे रहा है तू? गांधार राज के सामने उसके बेटे दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। कितना बेबस और लाचार बना दिया है तूने। शक्ति और सत्ता का ये कौन सा क्रूर चेहरा है जो किसी के जीने का हक छीन कर आनंद मना रहा है? तू ये कैसे दिन दिखा रहा है परमेश्वर? इससे तो अच्छा होता कि महाबली भीष्म हमारी बलि ही ले लेता। एक बाप को अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए तो नहीं देखना पड़ता। पिताजी, देखिए पिताजी। क्या हुआ शकुनी? क्या हुआ पुत्र? चुप क्यों है पिताजी? हमारे भाई एक एक करके यातना और भूख से मर रहे हैं और आप चुप हैं। हमारे भाइयों की सड़ती देह कंकाल देखकर आप चुप हैं पिताजी, जिनके कारण हमारा जीवन नरक बन गया, जिनकी मनमानी अहंकार क्रूरता से हमारा छिन गया, उनके लिए आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको पिताजी, धिक्कार है। जीवन पर मेरी पकड़ छूटती जा रही है पुत्र शकुनी। मैं जानता हूं कि मेरे बेटों की आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी, पर मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। महाबली भीष्म का बंदी होकर मैं क्षण क्षण मर रहा। मेरे एक एक बेटे की मौत मेरी मौत है पुत्र शकुनी। कितने क्रूर है ये भरत वंशी। भोजन के नाम पर पूरे दिन में केवल मुट्ठी भर अनाज देकर भूख को अपमानित किया है। इस निर्दयी भीष्म ने। पिताजी। भैया, तरुण, तरुण, क्या हुआ तरुण? आंखें खोल तरुण। पिताजी, देखिए ना, मेरा भाई कोई जवाब नहीं दे रहा। आप चुप क्यों है पिताजी? क्या हुआ है आप? सुनो पुत्र, मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मेरी बात सुन पुत्र। मैंने भीष्म से तुझे प्राण दान देने का वचन लिया है, इसीलिए वो तुझे जीवित छोड़ देगा। पर तू मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। वो पासे तेरे इशारे पर नाचेंगे। वो पासे हर बार तुझे जिताएंगे। जुए के खेल में तुझे कोई हरा नहीं सकेगा पुत्र। मेरी ये पूरी हड्डियां एक दिन बहुत काम आएंगी तेरे। पिताजी, आपने भी नहीं दिया ना मेरा साथ, अकेला छोड़ दिया मुझे। आप मर नहीं सकते पिताजी, आप मर नहीं सकते कभी। आपको भीष्म ने मारा है, उस अत्याचारी ने मेरे सारे भाइयों को मारा है। पर याद रखना भीष्म, मेरे पिता ने मेरे ये घुटने अपने हाथों से तोड़े हैं केवल इसलिए कि उनके लंगड़े बेटे को सदा याद रहे कि उसे कुरुओं से प्रतिशोध लेना है। आज मैं गंधार राज सुबल का बेटा अपने भाई बंधुओं और पिता के शवों को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं कि जैसे मैंने अपने परिजनों को मरते देखा है, वैसे ही तू अपने परिजनों को मरते देखेगा। जैसे तूने मेरे अपनों की बलि ली है, वैसे मैं तेरे परिजनों की बलि का साक्षी बनूंगा। सुन लो कुरुवंश, जब तक मेरा ये प्राण पूरा नहीं होता तब तक मैं हस्तनापुर नहीं छोड़ूंगा। जिस हस्तनापुर पर इतना घमंड है ना विष्णु, उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा।
हस्तिनापुर को मिट्टी में मिलाने का अपना प्रण मैं कभी नहीं भूल सकता। विश्व पिता की अस्थियों से बने पासे जब तक मेरे पास है तब तक प्रतिशोध की ये आग धधकती रहेगी और उस आग में जलेगा सारा कुरुवंश, उस आग में जलेगा तेरा अहंकार और तेरी शक्ति तिल तिल करके जलेगी, तिल तिल करके जलेगी पिता मां भेष, तिल तिल करके चलेगी। मामा हा? आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? अकेला? अरे क्या सोच रहे हैं आप, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। मैं अपने भांजे का भविष्य ढूंढ रहा हूं। कौन सा भविष्य मामा, कैसा भविष्य, अब बचा ही क्या है? और मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि आप भी पिता मां के सामने कुछ नहीं बोले। हम सब कुछ जीत कर भी हार गए मामा, और आप चुपचाप खड़े देखते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, सब भूल गए आप। बस करो भांजे, बस करो। मैं सब कुछ भूल सकता हूं पर तुम्हारे माथे पर उभरी चिंता की लकीरों को कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारे सपनों के इंद्रप्रस्थ को कभी नहीं भूल सकता भांजे। अब कौन सा इंद्रप्रस्थ, कौन सा सपना मामा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आप क्या समझते हैं कि केवल पासों से सत्ता का खेल खेला जाता है मामा? खेल तो पासों का ही होगा भांजे। अभी अभी बहुत दम है इन पासों में, ये पासे अभी भी वही करते हैं जो मैं चाहता हूं, यही पासे तुम्हारा भविष्य लिखेंगे भांजे, यही सजाएंगे तुम्हारे सपनों का संसार, यही पासे इंद्रप्रस्थ का स्वर्ण सिंहासन तुम्हारे कदमों में ला गिराएंगे भांजे। तो उस समय आपके पासे चुप क्यों बैठ गए थे मामा, पिता मां को क्यों नहीं रोक लिया आपके इन पासों ने? मिट्टी डालो भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो, अभी तो इन पासों का खेल शुरू हुआ है और पितामा सिर्फ रुकेंगे नहीं, टूटेंगे भी। पांडव हाथ से गए हैं, जात से नहीं, एक बार फिर बुलाओगे तो वो फिर आएंगे। क्यों बहला रहे हो, मैं इतना भी बोला नहीं हूं कि आपके बुलावे में आ जाऊं। ये बुलावा नहीं, सच है भांजे, तुम एक बार फिर से अपने पिता के पैर पकड़ो, गिड़गड़ाओ, कहो उनसे कि वो एक बार, बस एक बार फिर पांडवों को हस्तिनापुर बुलाएं, एक बार उन्हें वापस हस्तिनापुर बुलाएं। पिताश्री उन्हें फिर से क्यों बुलाएंगे, और बुला भी लें तो वो भला क्यों आएंगे, वो क्या करेंगे यहाँ आकर? एक बार फिर जुआ खेलेंगे, जुए का मोह एक बार मुंह लग जाए तो शमशान घाट तक पीछा नहीं छोड़ता, बस एक बार यहां बुला ले, फिर देखना। धतूरा तो खा के नहीं आया ना मामा, बस करो मामा, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, मैं हारा हुआ खिलाड़ी बनकर रह गया हूं। अरे खिलाड़ी कभी नहीं हारता भांजे, हारते तो अनाड़ी हैं, और फिर जिसका मामा शुकनी हो वो कभी अनाड़ी हो ही नहीं सकता। तुम एक बार फिर अपने पिताजी के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम बिगड़े खेल को बनाना चाहते हो, भाई भाई के संबंध में मिठास घोलकर भविष्य का युद्ध टालना चाहते हो। संबंधों में मिठास, भाई भाई, ये सब क्या कह रहे हो मामा, आपकी मति तो नहीं मारी गई है, मुझे लगता है आप सचमुच में धतूरा खा गया है। ईश्वर के लिए तुम सोचना बंद कर दो, सोचने का काम केवल मेरा है, तुम अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाओ,
सर पटको उनके सामने, उनसे कहो कि बस पांडवों को एक बार फिर द्यूत क्रीड़ा के लिए बुला लें। कहो उनसे कि तुम केवल एक दाव का खेल खेलना चाहते हो, बस एक दाव बांजे, एक दाव, बस एक दाव। पर आप उस एक दाव में सोचो मत भांजे, सोचो मत, मेरा एक दाव भाग्य पलट सकता है, तुम्हारा भी और उन पांडवों का भी। मेरा एक दाव राजा से रंक बना सकता है, तुम्हें भी और उन पांडवों को भी। काल बनकर आ सकता है मेरा एक दाव तुम्हारे लिए भी और उन पांडवों के लिए भी। ये शकुनी का दाव घाव नहीं करता भांजे, सीधे यमलोक पहुंचा देता है। तो दुर्योधन, तुम इतनी रात में, क्या हुआ पुत्र, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है पिताश्री, आपने तो मेरी नींद ही छीन ली, मेरा चैन छीन लिया, जीते जी मार दिया मुझे पिताश्री। ईश्वर के लिए ऐसी बातें मत करो पुत्र, पर जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है पुत्र। असत्य मत बोलिए पिताश्री, आज तक आपने जो भी किया है पितामह के डर से किया है। मैं किसी से भयभीत नहीं हूं पुत्र, पितामह की सलाह कुरुकुल की परंपरा के अनुसार ही थी। यदि वो ऐसी सलाह ना भी देते तो भी मेरा निर्णय वही होता, क्योंकि बस कीजिए पिताश्री, बस कीजिए। उन्होंने सलाह नहीं आदेश दिया था, जिसका पालन करना आपकी विवशता थी, क्योंकि आप सदा भयभीत रहे हैं उनसे, सदा भयभीत रहे हैं। आपने कभी इतना साहस नहीं हुआ पिताश्री कि उनके सामने अपने पुत्र का पक्ष ले सके। क्या है कि दुर्योधन तो शकुनी का बस एक मोहरा था। जिंदगी में कई दौर आते हैं जब मोहरा बन जाना हमारी मजबूरी हो जाती है और हम सिर्फ किसी और के इशारों पर चलते हैं। पर उससे भी ज्यादा भयानक है धृतराष्ट्र बन के बार बार गलतियों को दोहराते जाना। महाभारत